सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मेरा नाम है मोटो खबरी और हमेशा की तरह मैं लाया हूँ हमारे इंडियन मोटो व्लॉगिंग कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने उस लड़के को उन लोगों से मिलवाया जो 3 महीने पहले उनकी वीडियो देखा करता था। तो भाई ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। एनीवेज, बढ़ते हमारी फर्स्ट अपडेट की तरफ। तो जैसे कि आपको पता है कि संडे को आमिर माजिद का मीटअप था, बट पुलिस होने के कारण वो नॉन बाइकर लोग जो उनके मीटअप पे आए थे उनसे मिल नहीं पाए। भाई मजा आ गया यार, पर मुझे एक चीज का बहुत दुख हो रहा है कि हम कहीं रुके नहीं यार। रुके इसलिए नहीं यार, पुलिस वाले फालतू में अरेस्ट कर लेंगे। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, बाइक्स के सारे डॉक्यूमेंट है, पर फिर मीटअप खराब हो जाएगा ना। तो इसके बाद उन्होंने आलियान राइडर के व्लॉग में बताया कि अगली बार जब भी वो मीटअप करेंगे वो बिना बाइक्स के करेंगे। हाँ, बाइक्स वगैरह का मीटअप अब से मैं सोच रहा हूँ कि नहीं करेंगे। अब बिकॉज़ बहुत एक्सीडेंट होते हैं यार, मैंने तभी नहीं है। मेन चीज क्या है कि जो बच्चे जो बाइक कर रहे हैं वो तो मिल लेते हैं। हाँ, जो बच्चे एंड फैमिली वो मिल ही नहीं। हाँ, सही बात। आज भी गाइस हम रुक नहीं पाए यार, बच्चे थे वो मिले ही नहीं यार। और जब ये मीटअप चल रहा था तो जेके पुलिस ने 16 बाइक सीज कर दी थी। आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, बट इन बाइक्स में ज्यादातर मेरे को बाइक स्प्लेंडर और कम सीसी वाली बाइक्स दिख रही है जिसमें स्टंट मारना इम्पॉसिबल है। और इनमें भी ज्यादातर वो लड़के थे जो इनोसेंट थे, जो मोटो व्लॉग नहीं बनाते। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। मुझे लगता नहीं कभी भाई मेरे को मिले भी होंगे ऐसे व्लॉग बनाने। और बाइक को बोला कि बाइक सीज कर दिया, रीजन क्या दिया कि स्टंट मार दिया। और डॉक्यूमेंट थे, डॉक्यूमेंट वगैरह, देखो तुम बताओ डॉक्यूमेंट वगैरह सब पूरे थे और कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट ही नहीं थे। यार ये क्या यार रीजन, बाइक देखो ना, मैं ऐसे व्लॉग नहीं बनाना था, बट मैंने बाइक को देखा कि भाई थोड़ा टेंशन है। सर 150 यार, उसमें क्या स्टंट बचते हैं यार, मुझे लगता नहीं भाई। कोई मॉडिफाई नॉट डाउन, कोई मॉडिफिकेशन है उसमें यार। ये सही बोलो, ठीक है पुलिस की रिस्पेक्ट पूरी है, बट ये चीजें गलत है यार। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं हमारे प्यारे प्यारे जेके मीडिया ने भी बीच में एंट्री मार दी। तो उन्होंने क्या बोला, मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। जम्मू में हो रही है इंस्टेंट बाजों के ऊपर कार्रवाई। आज पुलिस ने 16 ऐसे मोटरसाइकिलों को पकड़ा है जो संडे के दिन खास करके करते हैं जम्मू में स्टंट बाजी। तो भाई आप देख सकते हो यही होती है स्टंट वाली बाइकें। इन शॉर्ट जो बाइकें मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनसे उनके पैसे बचते हैं, वही होती है स्टंट वाली बाइकें। आपने ये बिल्कुल नहीं लेनी। और ये सब के सब उन स्टंट बाजों की बाइक्स हैं जो संडे को खास करके नगरोटा से लेकर सिद्धड़ा तक स्टंट बाजियां करते हैं। तो भाई इस बारे में बोल के मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग भी समझदार हो गए हो कि ये सिर्फ टीआरपी के लिए करते हैं, और जब टीआरपी नहीं आ रही होती ना तो इनका कंटेंट कुछ ऐसा हो जाता है। जम्मू में पुलिस का क्या कुछ हालात है कि... एनीवेज, बढ़ते हमारी अगली अपडेट की तरफ जो कि आ रही है जेपी व्लॉग्स की साइट से। तो जैसे कि 16 बाइक में से उनकी भी बाइक सीज हो गई थी, तो उनकी साइट से भी व्लॉग आ चुका है जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बाइक कैसे सीज हो गई थी। तो मैं आपको थोड़ी क्लिप दिखाता हूँ, फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किधर है फिर, क्या साइड हो जाओ, लीव लीव, ओके बाय 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 बाय, साइड पे लगा रहा हूँ सर, इधर लगा रहा हूँ, इधर लगा, आपके पास है सर। मैं कुछ किया ही नहीं सर, कुछ किया ही नहीं सर, कुछ किया ही नहीं सर, कुछ किया ही नहीं ओ सर, कुछ मेरी बात सुनो सर, मैंने कुछ किया, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, यहीं पे खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ दो तभी ना वापस गैराज में। सो आपको पूरी बात बताता हूँ, वहाँ पे हुआ क्या था, आपने वीडियो तो देखी ली होगी। सो क्योंकि अगर जो बंदा आपके पास आके खुद रुक जाता है ना, तो अगर मैं खुद रुक गया, मैं चाहता मैं बाकी अगर 10 लोग वहां से भागे मैं भी भाग जाता, बट मेरे पास जो है मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स ओके थे, मतलब मैंने कोई क्राइम ही नहीं किया तो मैं क्यों भागता वहां से। मुझे इतनी बात बताओ, मेरे दिमाग बात कहते हैं UP07 राइडर के बारे में। तो उनके न्यू मीटअप पे उनके साथ बहुत ज्यादा तगड़ा वाला फैन मूवमेंट हो गया। मैं आपको थोड़ी क्लिप दिखा देता हूं। बढ़ते हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले राजा डीसी के इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखी। उनकी बाइक थोड़ी क्रैश लग रही है, आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। बात करते हैं आयरा माजिद के बारे में। तो थोड़े दिन पहले उनके चैनल से एक वीडियो उठ हुआ है जिसमें वो एक न्यू बाइक परचेज करने वाले हैं। पूछ रहा था, ये फर्स्ट टाइम है KTM जम्मू से कोई लड़की बाइक ले रही है, वो भी 390, बहुत बड़ी सोच आ रही है। बट द थिंग इज कि उन्होंने अपनी वीडियो में अनाउंस करा है कि वो जल्दी जल्दी मोटो व्लॉगिंग शुरू करने वाले हैं। तो अगर ऐसा होता है तो वो जम्मू कश्मीर के पहले फीमेल मोटो व्लॉगर बन जाएंगे। व्लॉग स्टार्ट कर दूंगी यार, पेमेंट दे दिया और हाँ
ऑफ पेमेंट बचती है उसके पास, बस वही बाइक को वही घूमना है। मैंने बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं मोटो ब्लॉग नहीं करते, मोटो ब्लॉग करो, बस वही बस दो दिन का सफर उसका मोटो ब्लॉग शुरू। बात करते जट प्रभजोत के बारे में, तो उनके इंस्टाग्राम से कल एक रील आउट हुई थी जिसके नीचे उन्होंने लिखा था कि वो पहले से बेटर है और रिकवर हो रहे हैं, वो बहुत जल्दी हम सबको अपडेट देंगे। बात करते राइडर गर्ल विशाखा के बारे में, तो कल उनके इंस्टाग्राम से कुछ फोटोज पोस्ट हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि किडनी में इन्फेक्शन होने के कारण वो भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। तो भाई होप करते हैं कि दोनों जल्दी ठीक हो जाए। बात करते हैं अकी द स्ट्रीट राइडर के बारे में, तो उनका भी न्यू मोटो व्लॉग आउट हो चुका है जिसमें उन्होंने हायाबुसा के साथ ड्रैग रेस करा है। तो बेसिकली हिमाचल में भी बहुत अच्छे अच्छे मोटो व्लॉग्स बन रहे हैं और अकी द स्ट्रीट राइडर उनमें से एक है, तो आप जाके इनके चैनल पे सपोर्ट दिखाओ। वीडियो एंड करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जम्मू में कुलचे का